वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश है, वेलकम करता हूँ रितेश चौधरी ब्लॉग्स में। मध्य प्रदेश ऑफ बीट एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड आपने देखा था महेश्वर का, जहाँ पे मैंने अहिल्या बाई के बारे में बताया था, महेश्वर फोर्ट दिखाया था, नर्मदा घाट दिखाया था। आज मैं आ चुका हूँ राउरखेड़ी गाँव में, जहाँ पे पेशवा बाजीराव फर्स्ट, जिनकी आपने मूवी देखी होगी 2015 में आई थी बाजीराव मस्तानी, तो वही बाजीराव की यहाँ पे डेथ हुई है। यहाँ पे उनकी समाधि है। खंडवा से 70 किलोमीटर की दूरी पे है मध्य प्रदेश में, और इंदौर से भी 70 किलोमीटर की दूरी पे है। 28 अप्रैल 1740 को जब वो दिल्ली से युद्ध करके यहाँ पे लौट रहे थे, तो हीट स्ट्रोक लगने से, लू लगने से उनकी यहीं पे नर्मदा नदी के किनारे डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी काशीबाई और उनके बेटे ने मिलकर इस समाधि का, इस किले का उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। तो चलिए देखते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा रितेश चौधरी। बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है बाजीराव पेशवा की समाधि, और बगल में नर्मदा नदी, और दूर आपको अगर कुछ हिल्स दिख रहे होंगे तो वो आपको विंध्याचल रेंजेस है, विंध्याचल हिल्स है। पेशवा की समाधि, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है आप देख सकते हो। गाइज, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है बाजीराव पेशवा की समाधि। यहाँ पे बाजीराव पेशवा की अस्थियाँ थोड़ी बहुत रखी हुई है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंधिया राजवंश के सेनापति ने करवाया था, जो बाजीराव के बहुत ही वफादार थे, उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ युद्ध लड़ा करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि, और 1740 में उनकी डेथ हुई थी 28 अप्रैल को यहीं पर नर्मदा के किनारे। तो उसके बाद इस किले का निर्माण हुआ था। गाइस, यही जगह है जहाँ पे बाजीराव पेशवा की समाधि रखी हुई है, उसके ऊपर भी शिवलिंग बना हुआ है, आप देख सकते हो छोटा सा शिवलिंग है। बाजीराव का जो जन्म था वो 1700 ईस्वी में हुआ था, 18 अगस्त को श्रीवर्धन महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। उनके जो माता पिता थे वो मराठी ब्राह्मीण थे, उनके जो फादर थे वो भी मराठास में पेशवा थे। जो बाजीराव पेशवा थे वो 7वें पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। ये देख सकते हो, ये किला है बाजीराव पेशवा की जो समाधि है, और इसके जस्ट पीछे आपको नर्मदा नदी दिख रही होगी बहते हुए। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये नर्मदा नदी है। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा 2015 में जो रिलीज हुई थी, जो लास्ट मूवी का पार्ट था, तो वो नर्मदा ही नदी में वो मरने वाले होते हैं जब उनको हीट स्ट्रोक और लू से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मूवी तो यहाँ शूट नहीं हुआ था, बट मैं आपको रियल प्लेस दिखाऊंगा कि जहाँ पे वो सीन, जिस सीन को लेके यहाँ पे रिक्रिएट किया गया था। बाजीराव पेशवा ने लगभग 40 युद्ध लड़े, जिसमें उनको एक भी हार नहीं मिली, जिसके वजह से मराठा साम्राज्य का जो पकड़ था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। गुजरात में, मालवा में, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में उन्होंने मुगल, पोर्तुगीज, राजपूताना सबके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा और मराठा साम्राज्य को स्ट्रांग किया। मूवी जो आई थी 2015 में बाजीराव मस्तानी, उसमें उनकी जो लव साइड थी मस्तानी के साथ वो ज़्यादा दिखाया गया। उनकी जो वॉरियरशिप थी, जो जिन्होंने जितना युद्ध वो लड़े थे उसके बारे में थोड़ा कम बताया गया। तो आप देख सकते कितना सुंदर ये किला है। इसको राणा जी शिंदे, जो उनके सेना प्रमुख हुआ करते थे, सेना अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनकी जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ काशीबाई, उन्होंने, दोनों ने मिल के बनाया। किले की बात करूँ तो साफ़ सफाई ठीक है,
बट गवर्नमेंट ने इसको उतना नहीं प्रमोट किया जितने अदर मॉन्यूमेंट्स को किया। आप देख सकते हो कि ज़्यादा लोग है ही नहीं, बस हम ही लोग हैं और उतना प्रमोटेड भी नहीं है। बस यहाँ पे एक गार्ड है जो इस पूरे प्रेमिसेस का टेक केयर कर रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि मुगल्स के जितने टॉम्ब हैं, मकबरे हैं, उसको बहुत तरीके से प्रमोट किया गया है। और मैं चाहूँगा कि जो बाजीराव पेशवा थे, जो एक रियल वॉरियर थे, अनडिफिटेड वॉरियर थे, और शायद वो अगर और ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते तो शायद मुग़ल जो भी थे इंडिया में वो भी नहीं उतना अपने कब्ज़ा कर पाते इंडिया में। तो इसको भी प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो। तो गाइस, जो राउरखेड़ा गांव के बात कर रहा था, ये वही गांव है। देख सकते हो कितने छोटे छोटे घर हैं, बहुत ही अंडर डेवलप्ड गांव है, और शायद गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया इस जगह को। यहाँ पर आपको आते ही बोर्ड दिखेगा और ये एंट्रेंस गेट है, ये देख सकते हो मध्य प्रदेश टूरिज़्म के द्वारा बोर्ड लगा हुआ है, समाधि बाजीराव पेशवा राउरखेड़ी, और यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।